अस्सलाम वालेकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफगान अकेडमी। करते हैं आप सब लोग बड़े होंगे, खुश होंगे। वीडियो है ऑल इन वन अफगान अपडेट्स। इंडिया डिड इट फॉर अफगानिस्तान इन विच अमेरिकन ब्रिटेन, और आगे बताने क्या 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 लिखा हुआ है। अफगानिस्तान जो कुछ हुआ दो तीन, इंडिया ने क्या किया, जिसको देखकर आपको आइडिया हो जाएगा कि अफगानिस्तान में 20 साल की मेहनत पर कैसे 20 घंटों में ही पानी फिर गया। रातों रात अफगानिस्तान में जमीन पर सिचुएशन कितनी बदल गई है। स्क्रीन पर आप एक फोटोग्राफ देख सकते हैं, एक ताज ब्यूटी सैलून नाम की शॉप का मालिक बाहर लगे फीमेल पोस्टर्स के ऊपर व्हाइट पेंट करके उनको मिटा रहा है, क्योंकि ये सब इस्लाम में हराम है। वैसे व्हाइट पेंट से इन पोस्टर्स को हटाना तो ठीक है, लेकिन मैं ये 100% श्योर हूँ कि कल को ये ताज ब्यूटी सैलून भी तालिबान के शरिया रूल के मुताबिक वहाँ पर नहीं रह पाएगा। यहाँ पर कोई भी महिलाएं नहीं आएंगी। ये ड्रास्टिक चेंज आ गया है रातों रात तालिबान के आते ही। अफगानिस्तान का काया पलट हो गया है। इसी बीच भारत ने एक ऐसा काम किया है जो अमेरिका, ब्रिटेन और बाकी नाटो सदस्य देशों ने तक नहीं किया है। लेकिन तालिबान और अफगानिस्तान को लेकर कई सारी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। हम पहले वन बाय वन वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बड़ी अपडेट अफगानिस्तान से ये निकल कर आ रही है कि राजधानी काबुल का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो देर रात से सभी कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए नाटो ने बंद कर दिया है। वहां पर अब बस मिलिट्री एयरक्राफ्ट ही उड़ान भर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले कल भी बताया था, अमेरिका, कनाडा समेत कई सारे वेस्टर्न देशों ने अपनी एम्बेसीज काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ऑपरेट करना शुरू कर दिया है और कुछ उसके आसपास वाली बिल्डिंग से। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में कितना केओस है, कितनी अफरा तफरी मच गई है, वो आप स्क्रीन पर चल रही वीडियो से देख सकते हैं। बहुत ज्यादा लोग, सभी लोग तालिबानियों के डर से किसी भी तरह वहां से बाहर निकलने के लिए एयरपोर्ट में घुस गए हैं, ताकि कोई ना कोई देश उनको एयरलिफ्ट करके अपने यहाँ ले ले। दूसरी मेजर अपडेट अफगानिस्तान से ये निकल कर आ रही है कि आज सुबह अर्ली मॉर्निंग में भारत ने भी बाकी देशों की तरह एक C-17 ग्लोब मास्टर हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अफगानिस्तान भेजा है। पिछली रात कमर्शियल फ्लाइट्स बंद होने के बाद मैक्सिमम देश C-17 ग्लोब मास्टर जैसे मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करके अपने अपने नेशनल्स को काबुल से निकाल रहे हैं। भारत ने C-17 किस पर्पज से भेजा है वो तो खैर अभी तक अनक्लियर है। तीसरी मेजर अपडेट ये निकल कर आ रही है कि कल यानी मंडे को भारत की प्रेसिडेंसी में अफगानिस्तान पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की दूसरी इमरजेंसी मीटिंग होने जा रही है। चौथी बड़ी अपडेट ये निकल कर आ रही है कि जो बाइडेन प्रशासन अमेरिकन को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए तालिबानियों को ह्यूज अमाउंट में कैश प्रोवाइड कर रहा है, ताकि अफगानिस्तान में अमेरिकन को नुकसान ना पहुंचे, वरना अमेरिका में जो बाइडेन गवर्नमेंट चारों तरफ से घिर जाएगी। पांचवी अपडेट अफगानिस्तान से ये निकल कर आ रही है कि रशिया ना ही अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से निकाल रहा है और ना ही अपनी एम्बेसी बंद कर रहा है। रशिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने बताया कि रशियन डिप्लोमेट्स वहां बड़े कामली काम कर रहे हैं, उनको फिलहाल वापस नहीं बुलाया गया है। छठी अपडेट अफगानिस्तान से ये निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान में अमेरिकन एम्बेसडर काबुल छोड़कर भाग गए हैं। उन्होंने अफगानिस्तान के एयरपोर्ट पर भी रहने से मना कर दिया था, जबकि 5000 अमेरिकन ट्रूप्स ऑलरेडी काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा कर रहे हैं और साथ में 1000 ट्रूप्स वहां पर और भेजे जा रहे हैं, जिसके बाद काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अमेरिकन सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की टोटल स्ट्रेंथ 6000 तक हो जाएगी। इसके अलावा वहां पर नाटो सदस्य देशों के भी ट्रूप्स हैं। सातवीं अपडेट अफगानिस्तान से ये निकल कर आ रही है कि नेपाल के करीब 1500 नेशनल्स अफगानिस्तान में फंसे हैं, जो वहां पर दुनिया भर के अलग अलग देशों की एम्बेसीज और इंटरनेशनल एयर ग्रुप की सिक्योरिटी में लगे थे। नेपाल गवर्नमेंट अब उन सभी देशों को कॉन्टेक्ट करके उनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि वो सभी देश उनके नागरिकों को भी अफगानिस्तान से निकालें, क्योंकि नेपाल की तो अफगानिस्तान में डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है ही नहीं। वैसे भारत को भी पिछले कल नेपाल से ऐसी रिक्वेस्ट जरूर आई होगी। आठवीं अपडेट अफगानिस्तान से ये निकल कर आ रही है कि अफगानिस्तान का नया प्रेसिडेंट जो तालिबानियों द्वारा अपॉइंट किया जाएगा वो होने वाला है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जो रिसेंटली एक डेलीगेशन लेकर चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से भी मिलने गया था। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं कि ये जो तालिबानियों की तरफ से प्रेसिडेंट होने वाला है अब्दुल्ला गनी बरादर, ये तालिबान मूवमेंट के को फाउंडर्स में से एक है और उसको आतंकवादी गतिविधियों के लिए यूएस पाकिस्तान ने साल 2010 में अरेस्ट किया था और साल 2018 अक्टूबर में अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ने इसको छोड़ा था, ताकि पीस टॉक्स के लिए तालिबान को किसी भी तरह टेबल पर लाया जाए। नौवीं मेजर अपडेट अफगानिस्तान से ये निकल कर आ रही है कि भारत ने भी अफगानिस्तान में स्थित अपनी एम्बेसी के स्टाफ को इवैक्यूएट करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है, जो कि अगले 48 घंटों के अंदर अंदर पूरा होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सरकार इस सिचुएशन के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड थी। दसवीं और लास्ट अपडेट बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें,
ताकि आपको अफगानिस्तान की इसी तरह की सारी अपडेट्स लगातार ऐसे ही मिलती रहें। दसवीं अपडेट की बात करें तो भारत ने पिछले कल देर शाम को ऐसा काम किया है जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर किसी और वेस्टर्न डेमोक्रेसी ने नहीं किया है। मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि किस तरह भारत अफगानिस्तान के प्रेसिडेंशियल पैलेस के कई सारे ऑफिशियल्स को शरण देने वाला है जिन्होंने अफगानिस्तान सरकार में काम किया था। ठीक वैसा ही हुआ और इन लोगों की मदद के लिए यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस नहीं बल्कि भारत सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कल एयर इंडिया की फ्लाइट AI-244 अफगानिस्तान के कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेकर प्रेसिडेंट अशरफ गनी के एडवाइजर और बाकी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लेकर देर शाम को न्यू दिल्ली में लैंड हुई। ये सारे लोग भारत में शरण लेने आए हैं क्योंकि बाकी सभी देश बस अपने अपने नागरिकों को बाहर निकालने में बिजी हैं, जबकि जो लोग अफगानिस्तान में तालिबानियों की हिटलिस्ट पर टॉप पर हैं, भारत उनको भी इवैक्यूएट कर रहा है क्योंकि ये सभी लोग प्रो इंडिया, एंटी तालिबान और एंटी पाकिस्तान हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत को इनको अपने देश में शरण दे देनी चाहिए थी, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो ये थी वीडियो, ये थी वीडियो जो कि बहुत ही अच्छी वीडियो थी, बहुत ही अच्छे अपडेट दिया हुआ था, सब कुछ बिल्कुल रियल थे, मतलब क्योंकि हमें पता है सब कुछ कि ऐसा ही हुआ था। अच्छा मेन वो तो था ही है, मेन बात मुझे मैं पे हैरान हो गया कि रशिया अभी तक बिल्कुल सोच भी नहीं रहा कि वहां से जाए। तो मैं ये कह रहा हूं ना, वीडियो शुरू कर रहे थे मैंने आपसे कहा ना कि रशिया और चाइना ऐसे कंट्रीज है जो कि उसका जो है वो परमानेंट मेंबर भी है यूएन का। हाँ, यूएन डेफिनेटली वहाँ पर वीटो भी करेंगे अगर वो शायद वो भी करे तालिबान के उसके हक में, और थोड़ा बहुत तालिबान से ये भी कहे कि मतलब जो वो कह जिस तरह की उन्होंने कहा कि मतलब शरिया ला आएगी लेडीज के लिए सब कुछ होगा, ये तो हम देख रहे हैं कि शायद ऐसा हो या शायद ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ये भाई पोस्ट लोगों को जो है मतलब इतने जो तंग करे कि वो लोग बिल्कुल घरों से ही ना निकले, तो ये तो अभी हम लोग नहीं कह सकते क्योंकि अभी कुछ पता नहीं, पता ही नहीं है। ये तो वक्त बताएगा ना, लोग बहुत निकल रहे हैं काबुल और बाकी बहुत ज्यादा लोग जो है बहुत सारे निकल रहे हैं क्योंकि आप कुछ चाहते हैं कि आजादाना जिंदगी गुजार रहे, लेकिन यहाँ पे जो है लॉ बहुत सख्त होगा। और जिस तरह के लास्ट में इन्होंने कहा कि इंडिया जो है जो कुछ लोग निकाल के ला रहे हैं के है, ये भी बिल्कुल रियल है क्योंकि बाकी कंट्रीज के भी लोग आ रहे हैं अपने इस पार। अच्छा वो तो है ही, अभी जिस तरह तालिबान की तरफ से जो उनके स्पोक्स पर्सन ये कहा कि हम किसी को भी हाथ नहीं लगाएंगे, जो भी मतलब हमारे खिलाफ थे, मतलब जो भी हमारे खिलाफ थे बोलते थे हमारे खिलाफ काम कर, वो कह रहे कि हम किसी को भी हाथ नहीं लगे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद ऐसे काम जो है इमेज खराब है इसलिए लोग इस पर भरोसा इस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि, लेकिन उसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ कि फिर भी लोग मर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं, लेकिन वो किसी को पता नहीं है, वो तालिबान कह रहे हैं कि हम नहीं है, वैसे लोग ग्रुप हमारे वहाँ जो है ज्वाइन किए हुए जो कि वो जो है उन लोगों को मार रहे हैं जिनसे उनकी दुश्मनी थी पहले ही। कल हम लोग जो वीडियो बनाई थी जो अपलोड होगी मखान में हुई होगी अपलोड, उसमें हम लोगों ने कुछ लोग हमें कह रहे हैं कि आप तालिबानी हो मतलब तालिबान की सपोर्ट में, देखो लड़ाई कैसी खत्म हो गई वो तो यहाँ पे नहीं बताया, लड़ाई ऐसी खत्म हो गई कि बहुत बड़ी खुनरेजी से बच गई, बहुत ब्लडशेड नहीं हुआ, ब्लडशेड हुआ, तो इस वजह से जो है हम लोग वो बातें कह दी तो लोग हमें तालिबानी वगैरह वगैरह कहने शुरू कर दिए। तो भाई एक सरकार गिर गई लेकिन सरकार गिरने से कितने लोगों की जिंदगी बच गई ये हम लोग नहीं जानते हो, अब क्योंकि वहाँ पे तालिबान तो वो लोग समझ नहीं है, वो लोग कह रहे थे हम लोग फाइट करेंगे, वो लोग कह रहे थे कि हम तो हर जो भी पीछे हटने वाले नहीं थे किसी सूरत भी, क्योंकि इसमें बहुत बड़े जो है कंट्रीज इसके शामिल थे, हाँ वो इन्वॉल्व थे, वो चाहते थे कि तालिबान ही आए, इस वजह से सिविल वार चल रहे थे, सिविल वार चल रहे थे जो कि उन लोगों के सारे मंसूबे नाकाम हो गए, जो कि बहुत कुछ सारे कंट्रीज थे जो कि आप लोग शायद जानते होंगे नहीं जानते होंगे, बाकी इन्होंने कुछ अपडेट्स दिए हुए थे जो कि बोले हम लोग तो चाहते कि पीस हो, तालिबान तो यही बोलते हैं अभी तालिबान आ गए तो हम लोग भी चाहते हैं कि तालिबान भी इतना स्ट्रिक्ट जो है लाज ना लाए कि लोग जो है बिल्कुल जीना मुश्किल हो जाए, हम तो यही चाहते हैं। हालांकि लोग जो है कल ऐसे न्यूज आ रहे थे पूरे अफगानिस्तान में बहुत 20 साल के बाद जो है आज पहला दिन है कि कोई डेथ नहीं हुआ, डेथ भी नहीं हुआ और मतलब फायर वगैरह नहीं हुआ, तो इस वजह से लोग थोड़े खुश थे कि इस तरह हो रहा है। मुझे लगता है जो लोग बाहर गए हुए जो कि जो अफगानिस्तान के सिटीजन है वो लोग जो बाहर गए शायद वो लोग वापस आ भी जाए वक्त के साथ, अगर ये लोग ला ठीक करे तालिबान, तो मैं कह रहा हूँ ना जब ये सब कुछ सिचुएशन बाहर से देखेंगे कि चलो ठीक है अब तालिबानों ने जो बिल्कुल गवर्नमेंट संभाली सब कुछ ठीक है तो शायद लोग आ भी जाए शायद ना भी आ जाए, तो ये अभी तो हम लोग नहीं कह सकते लेकिन आने वाले वक्त सब कुछ बताएगा। ये तो वक्त बताएगा कि क्या होगा कैसी ला होगी, अभी तक तो इनके जो है कोई वो नहीं हुआ है कि कौन जो है बैठेगा कौन हेड होगा,
इनका जो मेन हेड है वो अभी तक पता नहीं, उसके सिर्फ टू पिक्चर्स अभी तक शेयर हुए हैं, कोई काबिना भी उन्होंने तो कोई पता नहीं है। तो वक्त बताएगा क्या हो गया, तो आप लोगों से फिर हम लोग कुछ वीडियो शेयर करेंगे। सो अभी कहते हैं कि नहीं ये थी वीडियो, बाकी बहुत ही अच्छा अपडेट दिया था, बिल्कुल रियलिटी ही थी। अगर आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल ऑफ एक्टर्स, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी लाइक जरूर करें ताकि मतलब चैनल आपको सपोर्ट मिल रही है। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।